وجيت لاتيك نواق जनवरी के आखिर में मैंने एक ब्लॉग निकाला था, उसके आखिर में मैंने जिक्र किया था साइम का, तो जिसके साथ मैंने मिलकर बनाई है दास्तान राजा बाजार। तो ये ब्लॉग उन लम्हात पे जो मैंने साइम के साथ गुजारे हैं इस वीडियो को एडिट करते हुए। तो अगर आपने हमारी शॉर्ट फिल्म अभी तक नहीं देखी तो इस ब्लॉग को देखने के बाद वो ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा। तो ये है मेरा और शायद सबका चहेता मोहम्मद साइम रहमान, और मिलते ही साइम ने मेरा गोप्रो गिरा दिया, जिस पर मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। तो साइम ने मुझे अपने कमरे में कहा कि रुको, वो कुछ डाउनलोड करके ला रहे हैं, यहाँ उसके इंटरनेट के सिग्नल काम आते हैं, मैं पहले वॉशरूम जा रहा हूँ। सॉरी साइम, पूछे बगैर जा रहा हूँ। A few moments later. तो साइम की सबसे अच्छी बात ये है कि बड़ा मेहमान नवाज टाइप का बंदा है। एडिट शुरू करने वाले हैं हम, और साइम ने बोला कि सबसे पहले हम हाइपरलैप्स जो होंगे उनको डील करेंगे। तो अभी मैंने कुछ ज़्यादा बातें नहीं की साइम को, मतलब ब्लॉग में प्रॉपरली नहीं लेके आया, उसको भी लेके आएंगे। नीचे लैपटॉप लेने गया हुआ है। तो पहले दिन के आखिर पे हम कुछ खास कर तो नहीं पाए, मगर साइम मेरे गोप्रो को लेकर कुछ बोलता रहा, और जो मैं यहाँ डालना शायद मुनासिब ना समझूं, मगर ये आखिर वाली बात डाल सकता हूँ। कहाँ मैसेज आ रहे? ख्वारी है, यू नो, जितना ज्यादा गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इब्राहिम भाई ने कहा, क्या बात है। तो ये थी सिर्फ पहले दिन की कहानी। तो हमारा एडिट तो तकरीबन 7 दिनों में मुकम्मल हुआ, तो उनमें से कुछ मजे के लम्हात मैं अभी आपके साथ छोटे छोटे क्लिप्स में शेयर करने वाला हूँ। सारे मैसेजेस ये गिरे हुए इनको इनको असल में ये जीआर हुसैन को कुछ नहीं पता, कुछ पता हम असली आप हम असल चीज है, ये हम भी नहीं, मैं असल चीज हूं। ये ये इब्राहिम भाई हमारा क्या कहते हैं एडिट जो है ये सामने, ये कैसे जा रहा है यार? अभी तक अच्छा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ लगी है वो मुझे लगी है साउंड डिज़ाइन करना, और वो भी साइम के हाथ का साउंड डिज़ाइन करना। तुम्हारे इस फोकस के साथ ही लड़ता रहता हूँ। अच्छा देखते हैं। तो साइम के साथ गुजारे गए ये 7 दिन, और स्पेसिफिकली वो दिन जो हमने शूट में गुजारा था राजा बाजार में, ये मेरे लिए बहुत अच्छे थे, और ये कोलैब मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही कुछ महीनों के बाद हम शायद दोबारा किसी व्लॉग की सूरत में कोलैब करें। तो उम्मीद है आपको ये हमारी काविश पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए, अगर आपको पसंद आई तो ब्लेस यू, खुश रहो। और मेरी जिंदगी का ये तीसरा कोलैबोरेशन था, और पहली बार मैंने शॉर्ट फिल्म के लिए कोशिश की। साइम ने बहुत कुछ सिखाया मुझे, और इवन कि जो हाइपरलैप्स आप देखे आपने इस वीडियो में, ये इनके सारे के सारे इनके हाथों के। तो इसको तो आपने सब्सक्राइब करना ही करना है, मुझे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, करें जरूर कीजिएगा। और क्या कहते हैं, बस इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज।